हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। तो आज फिर एक और मैसेज लाइव हूँ मैं डिवाइन का। आज देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए और क्या आज नया मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती मत थूपिएगा खुद पर। ओके, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेते हैं उन लोगों को जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है। राजस्थानी व्लॉग ऊर्जा गहल, ओके थैंक यू वेरी वेरी मच ऊर्जा जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं दे देती हूँ आपको। देख लेते हैं डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आपके लिए। गिल्ट, ओके तो देखिए कुछ लोग हैं जिनको गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है, और क्योंकि उन्होंने पहले आपके साथ किया, आपको स्ट्रेस किया, आपको परेशान किया, अब उन लोगों को परेशानी हो रही है कि उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया और वो अपने ही किए हुए के ऊपर इतना पछता रहे हैं कि उन्हें सर में दर्द हो गया है। तो जो लोग आपको परेशान कर रहे थे उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। ठीक है, नाजवीर सिंह जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है तो सिज़ोफ्रेनिया, ओके तो देखिए आपको जो है कहा जा रहा है कि इस समय जो है डिवाइन को सरेंडर कीजिए और चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल क्रिएट किया गया है। पॉलिटिक्स क्रिएट किया गया होगा, मैनिपुलेशन से किया गया होगा, या किसी भी तरह से कुछ लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जिन लोगों ने आपके स्ट्रगल को थोड़ा बढ़ा दिया है और परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक है कि आप ईश्वर को सरेंडर कर दें। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेज है आज डिवाइन का। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट हो वही लें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसे शेयर भी करो। प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करो, नए नए लोगों तक पहुँचाओ मेरे चैनल को। ठीक है, ओके एक मैसेज झांक रहा है द फूल, वेरी गुड। एक बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो देखिए कुछ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। एट ऑफ पेंटेकल्स, तो यहाँ दो कार्ड खुद से गिर गए हैं, किंग ऑफ पेंटेकल्स एंड किंग ऑफ वांड्स। एक और कार्ड आ गया है द लवर्स। तो आपकी चाहने वालों की कमी नहीं है, यहाँ पे दो दावेदार खड़े हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, देखेंगे कि कहानी जा कहाँ रही है।
पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स आया है, कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे किसी के लिए कार्ड्स आए हैं, किसी की एनर्जी आई है यहाँ पर, यानी कि आपका बेसिकली अच्छा समय चल रहा है, शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं आप, बहुत बहुत अच्छा समय है। लेकिन यहाँ पे ना लोगों एक अलग से लाइमलाइट में जी रहे हैं अभी आप, एक अलग ही आपकी पहचान बनी हुई है, एक अलग ही आपकी जो ग्रेस है ना, एक बहुत ही अलग है आपके लिए इस समय। और लोग क्या कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपका स्ट्रगल बेसिकली लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपका पैसा बहुत लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे ये है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक या एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई फीमेल ही नज़र आ रही है जो कि अपनी फीलिंग्स को बेसिकली ना क्लोज कर चुकी है, अपने हार्ट को पूरी तरह से क्लोज कर चुकी है। हो सकता है कि लाइफ में इसने बहुत कुछ देखा हो, कुछ बहुत रहा हो, तो ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं यहाँ पर, ट्रस्ट इश्यूज जो हैं दिखाई दे रहे हैं इस फीमेल के। और ये अभी किसी के साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है, ठीक है। इसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए, लेकिन इसे उतना फ्रूट मिला नहीं है। इसने हर चीज़ में अपना बहुत इनिशिएट किया है, यानी कि हर रिश्ते में इसने अपने आप को बहुत झोंक दिया, लेकिन इसको मिला कुछ नहीं बदले में, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसे लोगों के बीच ये रही है जो कि काफ़ी पुराने टाइप के, जिनके रूढ़ीवादी सोच रही होगी, बहुत अजीब ही तरह का दिमाग रहा होगा, इनके अपने ही लाइफ स्टाइल थे, अपने ही पैटर्न थे, अपने ही रहने जीने का ढंग था, और ये अपने ही तरीके से चलाना चाहते थे चीज़ों को। इन्होंने चीज़ों को नए सिरे से देखने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है, और यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक नए पड़ाव में एंट्री कर रहे हैं बेसिकली, बट क्योंकि आप हील नहीं हुए हैं, आई थिंक आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आया है बहुत ज़्यादा, तो आप अर्थ एलिमेंट हो सकते हैं, फायर साइन कोई हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ना आपको एक से ज़्यादा लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आप में, और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे लव रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और आपको प्रपोज़ल मिलेंगे इस वक्त, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे इस टाइम पर ना, लोग आपको हासिल करने के लिए या फिर आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, कितना भी स्ट्रगल करेंगे, इवन लड़ेंगे भी आपके लिए, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। आपको थोड़ा सा खुद को हील करने की ज़रूरत है, आपने अपने हार्ट को बिल्कुल क्लोज कर दिया है, अपने अंदर की भावनाओं को ना थोड़ा सा निकालिए बाहर, हील कीजिए खुद को, ठीक है। आप अपने पुराने जो भी पैटर्न हैं, जो भी आपके ट्रॉमाज हैं, उनसे बाहर निकलिए और देखिए कि लाइफ कितने खूबसूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है लव से रिलेटेड, थोड़ा समय के लिए आएगी, थोड़ा मैच्योरिटी से डील करें, क्योंकि ये क्या होगा ना कि कभी कभी कोई चीज़ आपकी लाइफ में आती है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं आती है,
और ऐसा हो सकता है कि वो हाथ से निकल जाए और आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो यहाँ पर जो है, जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग माइंड थी काफ़ी ज़्यादा, अब यहाँ पे आपकी फैमिली का भी सपोर्ट आपको मिल सकता है। और पॉसिबल है कि आपने पहले अपनी फैमिली के ही कारण चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई होंगी, बट अब जो है चीज़ें आपकी फैमिली ही ठीक करेगी। ठीक है, आपकी जो आप अपनी फैमिली से पूछकर आप कोई काम नहीं करते हैं, बेसिकली जो भी काम करना होता है ना चुपचाप कर लेते हैं, फैमिली को बताते ही नहीं, क्योंकि आपकी फैमिलीज़ के ट्रॉमास आपकी लाइफ में रहे होंगे। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी। और यहाँ पे जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई, एक बंदा तो इंटरेस्टेड नहीं है आप में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। और आपका क्या है कि आप पूरी तरह से अपने दिल को बांध कर बैठे हुए हैं, क्लोज करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हील कीजिए खुद को। पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों में कोई तो बेहतर इंसान होगा जो आपके लिए बना होगा, जो सच्चा होगा और आपके लिए आपके लायक होगा, है ना। थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हील कीजिए खुद को, आपको हील करने की ज़रूरत है खुद को। अगर आप खुद को हील करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बेहतर मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस वक्त जो है आप बहुत अच्छे फेज में जी रहे हैं, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आ रही है आपके पास, जो आप सोचेंगे वो सभी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना जो है नज़रिया चेंज करके देखिए। ओके, तो देख लेते हैं। डिवाइन के मैसेजेस में से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। ट्रैवलिंग, तो भाई कोई यात्रा है जो आपके लिए बनी हुई है और वो डिले हो रही है, डिले हो रही है, डिले हो रही है, क्योंकि डिले की जा रही है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको पाने के लिए कुछ गलत रास्ते अपना रहे हैं। ठीक है, आप लाइमलाइट में हैं तो ऑफकोर्स आपको खोने का डर तो बहुत लोगों को होगा, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पाने के लिए गलत तरीके और गलत रास्ते अपना रहे हैं। ठीक है, वो आपको रोकना चाह रहे हैं बहुत अलग सी तरह से। तो यहाँ पे देखो क्या है कि लोग, मैंने कहा ना, गलत तरीके अपना रहे हैं, यहाँ पे कुछ मैसेजेस झांक रहे हैं। और आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशन आ रहा है, यानी कि आप इस पर कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर ठहरेगा। सेलिब्रेशन आ रहा है, समय बदल रहा है बेसिकली, है ना। यहाँ पे देखो इन लड़कियों को देखो, ये नाच रही हैं, झूम रही हैं, और कितनी हवाएं चल रही हैं, और मौसम देखो बारिश का है, यानी कि चारों तरफ से खुशियां हैं आपके जीवन में, हर तरफ से खुशियां हैं आपके जीवन में। और यहाँ पे हर कोई इनसिक्योर बैठा हुआ है आपके लिए, यानी कि समय काफ़ी अच्छा चल रहा है आपका, काफ़ी फेवरेबल टाइम है आपके लिए। बहुत लोग हैं इंटरेस्टेड आप में, बहुत सारे प्रपोजल मिलेंगे आपको इस टाइम पीरियड में। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखिए हो सकता है कि पास्ट के कुछ ट्रॉमास आपकी लाइफ में रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा हील कीजिए खुद को, किसी भी तरह के पास्ट ट्रॉमास में खुद को डिगिंग करने की या उसके अंदर स्टिक रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता, उस चीज़ को बार बार याद करके खुद को परेशान आप मत कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, कर्मा बैकफायर हो रहा है उनको, उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, आप थोड़ा हील कीजिए खुद को और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इनर वॉइस, आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए बार बार, देखो आपको मैसेज मिल रहा है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनिए, ईश्वर की आवाज़ को सुनिए, ईश्वर आपसे कुछ कह रहे हैं, वो आपकी अंतरात्मा के थ्रू ही आपसे कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्यूशंस पर बिलीव कीजिए, आपके इंट्यूशंस इस समय आपके लिए बहुत ही सही बोलेंगी। कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए और ध्यान अपना एकाग्र कीजिए। जब आप अपना ध्यान एकाग्र कर लेंगे तब आप देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ही सही तरीके से सही डिसीजंस ले पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव अपना चेंज कीजिए। देखिए क्या होता है ना, डिवाइन की कुछ टाइमिंग होती है कि आपकी लाइफ में इतने समय में कोई चीज़ मिलेगी,
इतने टाइम में कुछ चीज़ मिलेगी, और उस टाइम पीरियड में जो बीच में जो टाइम होता है स्ट्रगल का, उसमें कुछ गिरे हुए छिछोरे लोग जो हैं अपनी रोटी सेक लेते हैं, वो अपने लिए दुनिया भर का कुकर्म इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपका शिकार कर लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके सर पर काल बैठा है, शिकार वो हो गए हैं, शिकार आप नहीं हुए हैं, ठीक है। मैच्योरिटी, तो देखिए आपके जीवन में ना अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ सारे डिसीजन लिए हैं, क्योंकि आपने इतने बुरे समय में आपने बहुत कुछ सीखा है, सारे लेसन आप बहुत अच्छे से सीख पाए हैं अपने जीवन में, मैच्योर काफ़ी हो गए हैं आप, ठीक है। आपके जीवन में और भी नई नई चीज़ें आ रही हैं जो आपको सिखा रही हैं, बदल रही हैं और बहुत कुछ बना रही हैं आपके लिए। तो ओवरऑल आपके इसी चीज़ के कारण जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है अपने बुरे समय से, वो बुरा समय ही अब आपको आपके गोल तक लेकर जाएगा, आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। बहुत सारे चेंजेस तो आपने अपने लाइफ में देखे होंगे, और बहुत ज़्यादा बदलाव आपके अंदर आ भी गए होंगे, आप समझिए इस बात को, ठीक है। फ्रीडम, आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लीव माई लाइफ ऑथेंटिकली। तो आपको जो है ना अब फ्रीडम मिल रहा है, आप फ्री हैं पूरी तरह से अपने जीवन में, जो चाहे बना सकते हैं, जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। और अपनी लाइफ में आप बहुत ही ऑथेंटिक कनेक्शंस अब क्रिएट कर पाएंगे, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप अपनी लाइफ में चीप और क्रीपी लोगों को इंटरटेन तो नहीं करेंगे, जो लोग आपके लाइफ में सर्व नहीं करते, जो बेकार और बकवास लोग हैं, अब आप उनको इंटरटेन नहीं करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। हैप्पीनेस, आई चूज़ हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो आप जो हैं अपने जीवन में खुशियों को चुनेंगे, हर परिस्थिति में आप अपने आप को चुनेंगे, अपनी खुशियों को चुनेंगे, ठीक है, हर तरफ से, हर एक कोने से, और आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। रिलीज, आई रिलीज ऑल फियर एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने डर को निकाल दीजिए अपने अंदर से, हर तरह के डाउट्स को निकाल दीजिए अपने अंदर से, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए और ईश्वर पर ट्रस्ट कीजिए, जो भी आप सोचेंगे समझेंगे वो सभी चीज़ें आपके जीवन में यूनिवर्स आपको दे देगा, ठीक है। अपने डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए और यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, यानी कि ईश्वर पर विश्वास कीजिए। करेज, आई एम ब्रेव एंड फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा ब्रेव और करेजियस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा साहस के साथ आपने अपने डिसीजंस लिए हैं, और जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में किया है ना, बहुत ही मतलब बहुत करेजियस होकर लिया है आपने, बहुत निडरता से सामना किया चीज़ों का, बहुत हिम्मत है आप में। क्लैरिटी, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड मेक डिसीजन विद क्लैरिटी। तो आपको जो है ना अपने जीवन में क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों को लेकर के, आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो रही हैं, और आपको अपने जीवन में या अपने डिसीजन को लेकर क्लैरिटी मिल रही है कि जो भी आपने डिसीजन लिए हैं कभी भी बुरे नहीं रहे, वो सभी के सभी बहुत फ्रूटफुल थे आपको लेकर के, आपके सारे डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल रहे हैं। कॉलमलेस, आई एम कॉल्म एंड सेरेन इन ऑल सिचुएशन। तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा शांत है, हर बुरी परिस्थिति में आपने बहुत शांति से काम लिया है, और हर बुरी चीज़ में आपने किसी न किसी अच्छाई को देखा है, और ईश्वर ने भी आपको उस बुराई में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ कर दी है, ठीक है। ओके, तो कुछ मैसेजेस चैनल डेक में से ले लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो देखिए एक मैसेज जो पहले से झांक रहा है, पढ़ लेते हैं उसको, क्या है। इंटरनेशनल ट्रैवल, तो भाई आपके लिए इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है, जिसको घूमने जाना जा सकता है बड़ी खुशी से। रिलैक्स, योर लव ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो आपको कहा जा रहा है शांत हो जाइए, हर एक चीज़ आपके जीवन में शेड्यूल कर दी गई है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनको शेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। आपका आपको क्रश हो सकता है किसी पे, तो जो आपका क्रश है वही मिलेगा आपको। नॉट ऑल इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आर रिक्वेस्ट समार्ट सीसीटीवी कैमराज। तो भाई लोगों की नज़र तो बहुत पैनी है आपके ऊपर, आपको ढूंढ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, ठीक है। यू विल बी द फर्स्ट मल्टी मिलियनेयर इन योर फैमिली। तो आप अपने जीवन में जो है ना पहले मल्टी मिलियनेयर होने वाले हैं,
आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा होगा, लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज कमिंग। तो भाई दुनिया भर के पैसे के स्रोत आपके जीवन में आ रहे हैं, यानी कि बहुत पैसा आ रहा है। एवरीथिंग कम्स टू यू एट वेरी राइट टाइम, तो हर चीज़ आपके जीवन में बिल्कुल सही समय पर आप तक पहुंच जाएगी। सेल्फ लव, हाइड्रेट, मेडिटेट एंड अप्रिशिएट योर बॉडी। तो आपको क्या कहा जा रहा है, हाइड्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस। इविल फैमिली मेम्बर्स, तो देखो कुछ आपके भी फैमिली मेम्बर्स ना इविल हो सकते हैं, जिनको आपसे कुछ ना कुछ जलन तो है। गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, तो भाई ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब वो एकदम से धड़ाक कर देंगे उनकी लाइफ में। मिरेकल इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, तो भाई कोई चमत्कार आपके जीवन में आ रहा है बहुत तेज़ी से, कुछ ना कुछ सडन हो जाएगा। बी सच अ ब्यूटिफुल सॉल दैट पीपल क्रेव योर वाइब्स, तो आपको कहा जा रहा है कि इतने ब्यूटीफुल सोल बन जाइए कि लोग ना आपके वाइब्स को पाने के लिए तरस जाएं, क्रेविंग करें एकदम। न्यू पाथ इज अबाउट टू ओपन, तो भाई कोई नया रास्ता आपके जीवन में खुलने को है। दिस नेक्स्ट ब्लेसिंग विल बी प्रूफ दैट गॉड वॉज विद इन यू द होल इंटायर लाइफ, तो ये जो अगली ब्लेसिंग्स है ना आपके जीवन में, ये कुछ इस तरह की हैं कि अब आपको ये पता चलेगा कि इतने बुरे समय में भी ईश्वर हर समय आपके साथ थे। मेडिटेशन 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 कीजिए। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, तो आपके पास अब चारों ओर से धन आने वाला है, धन वर्षा होने वाली है। दिस वीक दिस यूनिवर्स इज गेटिंग यू बैक ऑन योर फीट फॉर द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ, तो भाई इस समय में ना यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा कम बैक देने वाला है, तैयार हो जाइए किसी कम बैक के लिए। टाइम इज नॉट इन योर फेवर राइट नाउ, तो भाई समय आपके फेवर में नहीं होगा शायद इस समय, लेकिन जल्दी ही होने वाला है। पॉजिटिविटी इज अ सुपर पावर, वियर इट डेली, तो पॉजिटिव रहिए हर समय, ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। योर मेगा मिरेकल इज नॉकिंग एट योर डोर, तो भाई आपका मेगा मिरेकल जो है आपका डोर नॉक नॉक करने वाला है। अ गुड लाइफ नीड्स सम बैड डेज, तो एक अच्छी लाइफ के लिए थोड़े से बुरे समय से गुजरना पड़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज है। यू आर गोइंग टू बी फेमस, दैट्स इट, आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, दैट्स ऑल, और मैसेजेस नहीं लूँगी, इसी पे ख़त्म करूँगी। यू आर गोइंग टू बी फेमस, और एक मैसेज झांक रहा है ले लेते हैं इसको भी, चलो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी आने वाली होगी आपके लाइफ में, किसी से झांक रहा था एक मैसेज दैट यू आर एन अर्थ एंजल, आप एक अर्थ एंजल हैं लाइक मी, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आज आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स दें मुझे, ठीक है। और जो लोग भी टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ओनली 199 पे करके वो अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं, कमिंग संडे 11 AM, ठीक है, सुबह 11 बजे होगी क्लास। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊँगी एक और मैसेज लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।